आप देख रहे हैं अपना समाचार। मैं सबसे पहले अपने देशवासियों को प्रणाम करता हूं, और अभी जो दिनेश भैया की फिल्म आई है बॉर्डर, जिसके बारे में गलत अफवाहें उड़ाई जा रही हैं, और इस तरीके की अगर किसी भी भोजपुरी फिल्मों में अफवाहें उड़ाई जाएं तो कोई पत्रकार किसी के बारे में गलत नहीं लिख सकता। अगर गलत लिखता है और कोई प्रोड्यूसर ढाई करोड़ रुपए लगा के पिक्चर को बनाता है, उसके पहले उसके बारे में गलत या सही या फिल्म फ्लॉप हो रही हिट हो रही इसके बारे में लिखने का किसी को अधिकार नहीं है। अगर ऐसा है तो भोजपुरी फिल्म के जो दिनेश लाल यादव निरहुआ जी जो मेरे बड़े भैया हैं, वो अगर उनके खिलाफ कदम उठाएं तो मैं उनके साथ हूँ, पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री उनके साथ है, और मैं जो है कि दिनेश भैया के सपोर्ट में खड़ा हूँ। बाकी जो है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में सारे स्टार उनके उनके साथ खड़े हैं। बाकी ऐसा किसी पत्रकार को नहीं लिखना चाहिए कि किसी की फिल्म फ्लॉप हो रही या हिट हो रही, उसको चलने के बाद उसका वो रिस्पांस निकालना चाहिए, वो हिट हुई या फ्लॉप हुई, उसका क्या नुकसान हुआ, क्या फ़ायदा हुआ, ये सब उसके बाद आना चाहिए, उसके पहले नहीं होना चाहिए था। ये जो दिनेश जी ने किया वो अच्छा किया, भोजपुरी इंडस्ट्री में ऐसा किसी स्टार के खिलाफ कोई ऐसा ना लिखे अच्छी बात है, इसलिए जो कि दिनेश जी ने बहुत अच्छा किया। आप देख रहे हैं अपना समाचार।